हेलो एवरीवन एक बार फिर आप सभी का जयंती नर्सिंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है नमस्कार आदाब सतम वालेकुम वनकम एक स्पेशल टॉपिक के साथ आज की जर्नी स्टार्ट करेंगे जहां पर एक से दो एमसीक्यू सी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बन सकते हैं थैंक यू सो मच रजनी माथुर सी के कैप्टन धाकर नर्सिंग ऑफिसर अमित विजय लक्ष्मी अजय चौधरी जीआईएनसीएन आई एन सी एन मोनिका सरिता वर्षा रानी मोनू मुन्नी भगवती भाग्यश्री ऋतु शंकर राजेश कुशवाहा श्वेता अनुजा शिखा यादव मिस्टर विष्णु आप सभी को एक बार जय सिंह परिवार की तरफ से वेरी गुड इवनिंग आज की इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी गुड न्यूज और खुशखबरी आपको मिलेगी बच्चों उससे पहले हमेशा जो मैक्सिमम ट्रेंडिंग में जो इंक्वायरी रहती है जे आई एन सी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग में उस इंक्वायरी को मिनिमाइज करते हुए हम लोग कैरी ऑन करेंगे फर्दर इस टॉपिक को और रिसेंट जो सबसे डिमांड सबसे ज्यादा डिमांडिंग जे आई एन सी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग में चल रहा है वो ऑफलाइन बैच क्योंकि लॉकडाउन के बाद ठीक लगभग दस से ग्यारह महीने बाद एक बार फिर आपका अपना जेआईनसी कंप्लीट ऑफलाइन मैच स्टार्ट करने जा रहा है और कंप्लीट ऑफलाइन मैच का शेड्यूल और इंफॉर्मेशन में आपको बता देता हूं बच्चों ये सेवनटी बैच होगा लास्ट सिक्स ईयर में सेवनटी स्टार्ट कर आपका जे जोधपुर स्पेशल इस ऑफर का बारे में बता देता हूं बच्चों जो स्टूडेंट ट्वेंटी सिक्स जनवरी तक एडमिशन लेता है उसकी फीस 17,000 थाउजेंड होगा और एक साथ जमा करना होगा सबसे खास बात मॉर्निंग बैच आपका रहेगा बच्चों जे का जो न्यू कैंपस है 265-66 जेएनसी भवन अरोड़ा स्वीटो माली गली भगत की कोटी जोधपुर सॉरी इवनिंग बैच है एज यूजल जो जेएनसी का ओल्ड कैंपस कोचिंग चल रहा था इवनिंग बैच स्टार्ट हो रहा है बस याद रखिए बच्चों आपको ज्वाइन करने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है क्योंकि सीट लिमिटेड है आपको सबको पता कि आपकी अपनी जेएनसी में सीट लिमिटेड रहता है हमेशा तो अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नाइन सिक्स थ्री सिक्स थ्री सिक्स जीरो थ्री टू सिक्स नाइन वन नाइन सिक्स थ्री सिक्स जीरो थ्री टू सिक्स नाइन वन इस नंबर पे आप फोन पे कर सकते हैं पेटीएम कर सकते हैं अपना डिटेल जरूर भेजें ताकि आपकी सीट कंफर्म हो सके और आप 24 तारीख को आके अपनी फीस जमा करके अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इस कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स का ड्यूरेशन बच्चों मंथ मंथ का का है इसका का है इसका ड्यूरेशन और याद रखिएगा जे आई एन सी गुरुकुल में सिक्स मंथ में कोई वेकेशन नहीं होगा कोई छुट्टी नहीं होगा थर्टी डेज थर्टी डेज क्लासेस और याद रखिएगा हर ट्यूसडे को वीकली टेस्ट होगा कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग की नोट्स के पांच बुक्स मिलेंगे प्लस कंप्लीट नर्सिंग के साथ रिसर्च एडमिन एजुकेशन फार्मा माइक्रो रीजनिंग मैथ्स इमरजेंसी नर्सिंग वो सब कुछ मिलेगा जो एक कंपटीशन को फाइट करने में चाहिए बच्चों बस नीड टू बी डिसिप्लिन क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट हमेशा आपकी जेएनसी में रहती है तो जो इस गुरुकुल को फॉलो कर सकता है उस बच्चे का मोस्ट वेलकम इन जेएनसी फैमिली माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तो बस जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करें और जुड़े जेएनसी परिवार से क्योंकि लाइब्रेरी भी फ्री अवेलेबल बच्चों गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल की फैसिलिटीज है सब कुछ एक ही जगह एक ही छत के नीचे मैं हमेशा कहता हूं ऑनलाइन कोर्स कोर्स भी आपका सभी एग्जाम के के लिए एक ही एक ही ही है और ऑफलाइन में छत नीचे सारी फैसिलिटीज आपका अपना जे अपने फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को दे रहा है थैंक यू इंडिया टू ट्रस्ट ऑन जे आई जोधपुर और एक लंबा इंतजार था कल से का बच्चों के लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर एक बार फिर आपके अपने और अपने जेआईनसी ने यह साबित किया कि इंडिया में सबसे अधिक सिलेक्शन वाला या सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट जे क्यों है क्योंकि एक बार फिर सी राजस्थान में हजारों लोगों ने यह प्रूव किया कि जे है तो मुमकिन है और अनलिमिटेड सिलेक्शन कल से लगातार जो मेरे पास डाटा और इंफॉर्मेशन पहुंचे हैं उसके ऐड बनते जा रहे हैं और आपके तक पहुंचेगे कि कौन सा बच्चा परिवार में पढ़ के सेलेक्ट हुआ है और आप हर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को जानने का हक है कि सच्चाई कितनी है सिलेक्शन में क्योंकि बहुत जरूरी है मार्केट में हर तरह का माहौल है हजारों सेलेक्शन गिनाए जाएंगे बट यहां हर वो सेलेक्टेड बच्चा आपके सामने मिलेगा बच्चों और आप उन बच्चों से मोटिवेट हो सकते हो तो एक बार फिर आपके अपने जेएनसी ने राजस्थान में सीएचओ राजस्थान में हाइएस्ट सिलेक्शन देने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है और मैं यहां वो इमेजेस पुट कर रहा हूं जो रिसेंट डाटा अभी तक मेरे को मिले और काम कंटिन्यू चल रहा है आने वाले दो से तीन दिन आपके पास सभी डाटा पहुंच जाएंगे बच्चों तो इस गुड न्यूज को आपके साथ शेयर कर रहा हूं और ये सब पॉसिबल हुआ आपके भरोसे और जेएनसी की मेहनत से और मैंने हर बार यही कहा बच्चों आपके परिवार में जब खुशियां आती है तो जिंदगी में सबसे बड़ा सुकून मिलता है जो कल से बच्चे कॉल करके ये बता रहे कि सर आई एम मेरा परिवार बहुत खुश है मैंने आप पे भरोसा किया लॉकडाउन में जो आपने मदद की उसका कोई नहीं था बच्चों ये सब आपके प्यार से मुमकिन हुआ है और आपका प्यार उसने जो मिला उसमें हमने ईमानदारी से मेहनत की ऑनलाइन कोर्स लीज किया है उसका नतीजा आप लोगों के सामने है और हजारों घरों में चिराग जले खुशियां आई है और यही मैं हमेशा कहता हूं आपके घर की खुशी जे आई का सपना होता बच्चों थैंक यू इंडिया टू ट्रस्ट ऑन जे आई जोधपुर हियर यू कैन सी एवरीबडी दीज आर दीज आर दी एच ओ ऑफ राजस्थान आपके सामने बहुत सारा डाटा बच्चों मनराज मीना मिस सरोज देवीलाल पारिक निरंजन सिंह पवन सविता संगीता रामलाल गोदारा गोविंद प्रीति सुमन भुवनेश मोहनलाल राहुल मीना सत्यनारायण विनोद भरत निर्मा बिश्नोई ममता जाजरा, लक्ष्मण दुर्गा राम इनके अलावा मिस्टर रमेश मिस हंसा बीरेंद्र ओम प्रकाश बिश्नोई रूप सिंह चेलाराम राकेश बिश्नोई सीताराम फारूक मोहम्मद सूरज बिश्नोई देन विशना राम ईश्वर सिंह राजेंद्र कुमार विशाल पुरी प्रधान गुर्जर अमृता सुराना हिम्मत सिंह रसूला रसूला शीज हार्ड हार्डवर्क गर्ल्स दिनेश बिश्नोई इनके अलावा बच्चों जगदीश कुमार सोनिया मनीषा हरीश राजपुरोहित गोपाल बिश्नोई कमलेश कटारा तुलसी कलासुआ शरवन बिश्नोई बलवीर ओम प्रकाश बिश्नोई नरेंद्र सिंह केशव चंद नेहा कल्पेश महेश कुमार दीपिका नरेश शारदा बिश्नोई अशोक कानाराम, राम यू कैन सी एवरीबडी दे रविंद्र बिश्नोई रामकिशन लोकेश कंचन शेखावत विमला बिश्नोई नफीस अहमद भाटी रवि कुमार दायमा अतुल कुमार महेंद्र देवाशी इमरान खान विनोद कुमार राजेंद्र कुमार महेंद्र सिंह रोहित सारस्वत किशन बिश्नोई शेखर शेखर उपाध्याय श्रवन कुमार राहुल राठौर इवन महेंद्र सिंह गुर्जर दीज आर द लिस्ट दे आर दे आर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर दे मेक ने सी एच ओ राजस्थान ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी बच्चों अनलिमिटेड सिलेक्शन है लगातार आपके सामने उनकी अपडेट इंफॉर्मेशन आएगी क्योंकि हर वो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर नर्सिंग ऑफिसर बन सकता है यदि वो ठान ले तो फाइनली uh, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं बच्चों जो मैं खुद जिंदगी में लगातार फॉलो करता हूं डिसिप्लिन हो यदि आपका डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन ही सफलता की कुंजी है यदि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इतने बजे ये काम करना है तो जिंदगी में आपसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और सिर्फ सोचने से प्लान करने से किसी को सेलेक्ट हुए देखने से आगे नहीं बढ़ा जाता है आपको वो एक कठोर डिसीजन लेना पड़ेगा मेरे प्रिय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कि यस अगली बार जे आई एन सी के प्लेटफॉर्म पे मेरा फोटो होना चाहिए अगली बार सेलेक्शन की लिस्ट में मेरा नाम होना चाहिए उसके लिए इस 2021 में सिद्धत के साथ लग जाओ कि कोई और दूसरा नहीं होगा जो आपको जगाएगा और आगे बढ़ने के लिए कहेगा बच्चों ये आपको डिसाइड करना है कि लाइफ आपकी बनेगी आपको बनाना है जेएनसी परिवार सिर्फ आपको एक वे है प्लेटफॉर्म है वो रास्ता है जो आपको चलना सिखाता है उठे चले दौड़े अपने गोल की तरफ क्योंकि 2021 सपनों का ईयर होगा बच्चों और हर उस फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जिन्होंने सपना देखा है पूरी सिद्ध से कोशिश करेगा आपका जेएनसी आपको अपने सपने तक पहुंचाने का नीड टू बी वेकअप नीड टू बी थिंक नीड टू बी टेक स्ट्रॉन्ग डिजायर डिसीजन नीड टू बी डू हार्ड वर्क टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन ओनली यू कैन सक्सीड इन योर लाइफ थैंक्स इंडिया थैंक यू सो मच माइ लर्निंग ऑफिसर से uh, नोट कैसे अवेलेबल होगी और जे आई एनसी के नोट के लिए आपको uh, पांच बुक्स अवेलेबल है पांच बुक्स में कंप्लीट नर्सिंग सब्जेक्ट के नोट्स होंगे बच्चों इसमें थ्योरी नोट होंगे एमसी क्यू नहीं है थ्योरी के पूरे नोट होंगे जहां आप जो बच्चे जेएनसी परिवार तक नहीं पहुंच सकते हैं उनके लिए नोट अवेलेबल है बस आपको जेएनसी की वेबसाइट पे जाना बच्चों और जेएनसी की वेबसाइट क्या होगा डब्ल्यू 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 डॉट जे आई एन सी डैश जोधपुर डॉट कॉम डॉट कॉम और वेबसाइट पे जाकर आपको फाइंड आउट करना है जेएनसी बुकलेट और उसको आप ऑर्डर करें अपने एड्रेस के साथ और इसकी फीस जो है वन फाइव डबल नाइन है बच्चों और अगले तीन से चार दिन के बाद पहुंच जाएगी रिंकू रॉय डोनेटिंग फिफ्टी रूपीज थैंक यू रिंकू रिंकू फॉर सुपर चैट

जो एग्जाम के कॉम्पिटिट इंपॉर्टेंट जहां पर लगभग क्वेश्चन भी आपको डिलीवर करूंगा जो एग्जाम में जाते हैं मैं वो भी आपको करूंगा जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम आते हैं बस अगले वन और वन एंड हाफ आवर के लिए तैयार हो जाइए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लर्न करने के लिए कहीं नहीं जाना नोटबुक और पेन आपके हाथ में होना चाहिए वो सब कुछ पढ़ेंगे जो ट्रैक्शन में एग्जाम में पूछा जाता है माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तो लेट्स बिगिन विद ट्रैक्शन ओके फाइन सबसे खास बात बच्चों लगभग 1100 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लासेस जुड़ चुके बच्चों यू विल डू योर रेस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी फर्स्ट और प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती बच्चों लाइक शेयर इट डू इट एवरीवन लाइक एंड शेयर इट डू एवरीबडी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर फटाफट करिएगा बच्चों लाइक एंड शेयर इट क्या बात है साबास साबा स्टार्ट ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है वी विल डिस्कस इन अ डिटेल हियर यू कैन सी एवरीबडी एग्जैक्टली यदि हमें मीनिंग की बात करें कि वॉट डू यू मीन बाई ट्रैक्शन आई वॉज पुटेड वेरी वेल एप्लीकेशन ऑफ पुलिंग फोर्स टू अटेन रीअलाइनमेंट मैं सिंपल भाषा में बताऊं किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ लगाए जाने वाले फोर्स को ट्रैक्शन कहते हैं टू डिलीवर फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज मीनिंग ऑफ ट्रैक्शन दैट इज मीनिंग ऑफ ट्रैक्शन आई वॉज पुटेड वेरी वेल एप्लीकेशन ऑफ पुलिंग फोर्स टू अटेन रीअलाइनमेंट रीअलाइनमेंट अक्ष अश्विनी कुमार डोनेटिंग ट्वेंटी रुपीज टू द जे पुअर स्टूडेंट फंड थैंक यू अश्विनी कुमार सुपर फैन विथ सुपर चैट थैंक यू माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ये जो ट्रैक्शन हम पुट करते हैं उसमें रोप्स यूज करते हैं उसमें हम लोग पुलिस का यूज करते हैं उसमें हम लोग वेट को पुट करते हैं वेट को वियर करने के लिए वेट को पुट करते हैं तो रोप की मदद से पुली की मदद से वेट की मदद से हम किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट को पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुट कर सकते हैं योगेश रुपीज टू द एनसी स्टूडेंट फंड थैंक यू योगेश सुपर फैन विथ सुपर चैट थैंक यू थैंक यू सो मच तो रोप के द्वारा पुली के द्वारा और वेट की मदद से हम किसी भी बॉडी के पार्ट को रीअलाइनमेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर नॉर्मल एनाटोमिकल पोजिशन में पुट करके हैं बच्चों दैट इज मीनिंग ऑफ ट्रैक्शन और सबसे खास बात सबसे खास बात ट्रैक्शन मैनेज द क्रिएटिंग वेट जब भी हम ट्रैक्शन को एक बार पुट करते हैं और ट्रैक्शन को लगातार मैनेज करना होता है तो डिफरेंट वेट को हम पुट करते हैं मैं आगे मेथड्स बताऊंगा टाइप्स बताऊंगा बहुत कुछ बताऊंगा योगेश राजपूत डोनेटिंग ट्वेंटी रुपीस टू द जेएनसी स्टूडेंट फंड थैंक यू योगेश सुपर फैन विद सुपर चैट थैंक यू सो मच तो एक तो ट्रैक्शन को मैनेज करने के लिए वेट को क्रिएट करना पड़ेगा बच्चों अब क्या बात आती है काउंटर ट्रैक्शन मैं यहां क्लियरली मैं विनोद कुमार क्रिएशन डोनेटिंग ट्वेंटी रुपीज थैंक यू बिनोद सुपर फैन सुपर चैट देखिए बच्चों यहां पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा है और आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार मिला होगा क्वेश्चन क्या आएगा व्हाट डू यू मीन बाय काउंटर अट्रैक्शन क्या बात है लोकेश्वरी साहू अगेन डोनेटिंग ट्वेंटी रूपीज सुपर फैन दैट वी कैन से लोकेश्वरी विदर चैट थैंक यू माई डियर हियर आई वॉज पुडेट वेरी वेल उंटर ट्रैक्शन का मीनिंग एग्जाम में कई बार पूछा हुआ बच्चों ममता ममता सिंह का मतलब मतलब होता है आपकी में पुट किया क्या बात है चतुर्भुज बघेला डोनेटिंग फोर्टी रुपीज थैंक यू चतुर्भुज बघेला सुपर फैन उद सुपर चैट जब हम किसी बॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स डिलीवर करेंगे उस

मूव फर्दर विल मूव फर्दर यार यू कैन सी ए स्पेशल थर्ड फोर्स देखिए पहला फोर्स क्या होता है जो वेट डिलीवर किया है दूसरा फोर्स क्या होता है काउंटर ट्रैक्शन जो आपकी बॉडी की मसल फोर्स पुट कराए स्पेशल थर्ड फोर्स क्रिएटेड बाई द पोजिशन और तीसरा फोर्स क्या होगा अलग अलग बॉडी अलाइनमेंट में पेशेंट को पोजिशन दी जाती है पोजिशन वर्क वन ऑफ द वे टू डिलीवर फोर्स टू द पर्टिकुलर डायरेक्शन तो फोर्स क्रिएटेड बाय द पोजिशन विच प्रमोट काउंटर ट्रैक्शन इसको हम थर्ड फोर्स बोलते हैं दैट इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेंगे कि स्पेशल थर्ड फोर्स किसके द्वारा क्रिएट करते हैं दैट वी कैन से पोजिशन काउंटर क्या था ओपोजिट वर्क करने वाला सिंपल क्या था बच्चों ट्रैक्शन तो ट्रैक्शन काउंटर ट्रैक्शन और स्पेशल थर्ड पोजीशन पेशेंट को बॉडी एक्समिटीज तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन यहां पर कॉम्पिटिव एग्जाम के परपज से पूछा जा सकता है माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर अब क्या पूछते हैं क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा न्यूटन का लॉ ध्यान से देखना बच्चों आपने के लॉ हो फर्स्ट होगा लॉ हो हो जो, जो बच्चे करें उनके बायोफिजिक्स सब्जेक्ट होता है ये फिजिक्स वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ट्रैक्शन वर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल का मतलब कौन से सिद्धांत पे ट्रैक्शन वर्क करता है तो आपको आंसर लिखना है न्यूटन्स थर्ड लॉ जिसको हम एक्शन रिएक्शन बोलते हैं अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू बच्चों हर छोटी छोटी बात आपको पुटता थैंक यू राहुल सेन थैंक यू माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आपसे पूछेंगे न्यूटन्स का कौन सा लो काम करता ट्रैक्शन आपको आंसर क्या लिखना बच्चों थर्ड

स्किन ट्रैक्शन और स्केलेटल ट्रैक्शन में एक मेजर डिफरेंस पड़ेंगे स्किन ट्रैक्शन में कम वेट होता है शॉर्ट टाइम के लिए होता है थैंक यू लियान चौधरी स्केलेटल ट्रैक्शन जो है बच्चों वो लॉन्ग टाइम के लिए यूज करते हैं हैं हम ज्यादा वेट पुट कर सकते मोनिका भुल्लर डोनेटिंग नाइनटीन रुपीज थैंक यू सुपर फैन मोनिका विद सुपर चैट क्वेश्चन आएगा कि ट्रैक्शन जो है कितना वेट वीर करना थे? एक एवरेज अमाउंट में आपको बता रहा हूं बच्चों एक आइडियल वेट इन द ट्रैक्शन अराउंड टेन परसेंट ऑफ बॉडी वेट आपके बॉडी का वजन हंड्रेड के केजी है तो आप टेन के जी वेटिव एग्जाम एमसीक्यू एक आइडियल वेट कितना होना चाहिए ट्रैक्शन का टोटल बॉडी वेट का टेन परसेंट दैट इज एमसीक्यू दे रिकमेंडेड वेट फॉर ट्रैक्शन तो आपके टोटल बॉडी वेट का दस प्रतिशत बताना बच्चों जो क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है आगे थैंक आपको बताऊंगा कि कितना आइडियल वेट फॉर ट्रैक्शन तो आपको आंसर पुट करना है टोटल बॉडी वेट का टोटल बॉडी वेट का टेन परसेंट क्या पुट कर बच्चों टोटल बॉडी वेट का टेन परसेंट होगा दैट इज आइडियल वेट ओके फाइन विल मूव फर्दर मूव फर्दर फाइनली वी आर गोइंग टू सी क्या बात है नितिका नितिका पवार डोनेटिंग हंड्रेड रुपीज टू द जे एंड सी पुअर स्टूडेंट फंड थैंक यू नितिका सुपर फैंड माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर विथ सुपर चेट ओके फाइन विल मूव फर्दर मैथड्स ऑफ ट्रैक्शन में टाइप ऑफ ट्रैक्शन से पहले आपको क्लियर करना चाहता बच्चों कि कौन कौन से मेथड हम ट्रैक्शन में कॉमनली प्रीफर करते हैं हाँ आप लोगों ने ऑर्थोपेडिक्स वार्ड में ड्यूटी किया होगा अलग अलग तरह के ट्रैक्शन पुट किए होंगे बट आपको पता होगा ट्रैक्शन कौन सा होता है इंटरमीटियंट ट्रैक्शन कौन सा होता है स्किन क्या है स्केलेटल ट्रैक्शन क्या है इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं पहले मैं बात करता हूं बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यू और इंटरमीडिएट

फीमर के फ्रैक्चर में जो बड़ा और मेजर फ्रैक्चर होता है तो वहां पर हम हम कॉमनली वहां पर हम कॉमनली बच्चों कंटिन्यू ट्रैक्शन का यूज करते हैं क्या थैंक थैंक यू Manu, Mina, यू मनु मीना सो मच माय डियर फाइटर ओके फाइन दूसरा बच्चों मैंने यहां पूछा इंटरमीडिएट देखिए मैंने क्लियर लिखा है कि जब आपके बॉडी में मसल स्पाजम होंगे आपकी बॉडी में जब मसल स्पाजम होंगे तो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होंगे एक एक छोटे इंटरवल के लिए कम ड्यूरेशन होगा उस समय हम किसको यूज करेंगे बच्चों हम इंटरमीडिएट ट्रैक्शन को यूज करेंगे फॉर द शॉर्ट टाइम ये दो मेथड का ध्यान रखना यदि कोई बॉडी का पार्ट है स्पेशली बॉन्स जो है ब्रेक हो गया वहां कंटिन्यू ट्रैक्शन चाहिएगा टिल द हीलिंग यूनियन और वहीं यदि आपको बॉडी में स्पाजम रहा चाहे लोअर बॉडी पार्ट्स में हो या बैक में हो उस समय हम लोग क्या करते हैं बच्चों इंटरमीटेंट ट्रैक्शन को पुट करते हैं मैं आपको दोनों के एग्जाम्पल आगे पुट करूंगा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा इमेज आपको बताऊंगा बट यहां पर आपको जानने का बहुत जरूरी है कि व्हाट इज अन व्हाट इज हरीश पटेल डोनेटिंग थर्टी रूपीज थैंक यू हरीश सुपर फैन सुपर चैट

एक रनिंग ट्रैक्शन होता है एक बैलेंस करने के लिए दोनों का यूज क्या है कहां पर हम यूज करते हैं यू कैन सी ऑल इज वेल थैंक यू सो मच रनिंग की अलग अलग वेराइटी होगा बच्चों रनिंग वेराइटी ट्रैक्शन है अप्लाई ऑन हॉरिजेंटल बोन विदाउट एनी सपोर्ट मतलब रनिंग ट्रैक्शन जो है सतीश नागर डोनेटिंग ट्वेंटी रुपीज सतीश क्या बात है सुपर फैन सतीश सुपर चैट रनिंग जो ट्रैक्शन होगा बच्चों वैरायटी के साथ हम पुट कर से मैंने हॉरिजेंटल बॉन में पुट किया ओनली विदाउट सपोर्ट लिखा बच्चों

दैट वी कैन से सस्पेंशन क्योंकि बॉडी के अलग अलग पार्ट को अलग अलग एंगल से होल्ड किया जाएगा टू मेंटेन बैलेंस टू मेंटेन बैलेंस दैट इज एक्साम्पल ऑफ सस्पेंशन ट्रैक्शन दूसरा बच्चों मैंने कहा थाट और रनिंग जिसमें ऑरिजेंटल पुट करेंगे और वन डायरेक्शन में पुट करेंगे तो दीज आर द मैथड्स ऑफ ट्रैक्शन माइ लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर वी वॉट वी कैन स्पीक मैथड्स ऑफ ट्रैक्शन फाइन विल मूव फर्दर यहां तक तो ठीक था हमने देखा ट्रैक्शन क्या बेसिक पढ़े उसके अलावा हमने देखा, में देखा, में देखा क्या है बट अब आएगा बच्चों से बहुत बातें हम डिस्कस करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा इस टॉपिक के बाद किसी भी प्रकार की क्वेरी मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को नहीं लेगी एक बात क्लियर कर देता हूं बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सीएचओ में सेलेक्ट नहीं हुए होंगे उनको निराश होने की कतई जरूरत नहीं बच्चों किसी भी शर्त पे उनको निराश होने की जरूरत नहीं है हो सकता है आपके लिए कुछ अच्छा लिखा हो यह सच है यह सच इसको एक्सेप्ट करिएगा क्योंकि आप मेहनत लगातार कर रहे हो और लगातार मेहनत करने वाले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है और उसको अचीव करने के लिए लगातार टिकना पड़ता है हो सकता है सीएचओ आपको सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ हो सकता है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना हो कुछ बेहतर लिखा हो अपने लाइफ में हार नहीं मानना है फिर खड़ा होना है कमियों को दूर करना है जो बच्चे सीएचओ में सेलेक्ट किए उनको बहुत बहुत बधाई बट अगला टारगेट सेंट्रल गवर्नमेंट है बच्चों आपका सुकून और आनंद की अनुभूति तभी होगी जब अपना लास्ट गोल हम रीच कर पाएंगे और आप सबका लास्ट गोल क्या होगा बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट और जिनके नंबर कम आए थोड़ा प्लस माइनस है उसके लिए बच्चों जैन सी परिवार सदा आपके साथ है हर सिचुएशन आपके साथ लड़ेंगे आप रुकना मत बस आप चलते रहना सफलता जरूर मिलती है बट कभी कभी वक्त का इंतजार करना पड़ता है खुद के पेशेंस को खुद को पेशेंस को बार बार टेस्ट करना पड़ता है कि हाउ मच आई स्ट्रॉगर और जब आप अपने पेशेंस को ट्रस्ट को जीत सकते हो डायरेक्टली वी विल बी एंटर इन सेंट्रल गवर्नमेंट माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग नेगेटिव कम बैक योर सेल्फ स्टार्ट योर जर्नी आने वाले 2021 में हम एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे जाने वाले सबस जर्नी स्टार्ट हो गई है आप ईमानदारी से मेहनत करते रहें और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म की तरफ आप और हम दोनों मूव करेंगे ताकि जिंदगी में खुश हो सके नॉलेज वर्ल्ड डोनेटिंग 20 रुपीज टू द जेएनसी स्टूडेंट फंड थैंक यू माई लविंग नॉलेज वर्ड कैरी ऑन करना बच्चों हिम्मत रखना है और आपके अशोक सर और आपकी जे परिवार सदा आपके साथ है हर सिचुएशन में यह वादा करता हूं बच्चों आपसे किसी भी सिचुएशन आप क्यों ना हुँ? मैं पूरी कोशिश करूंगा हमेशा की तरह आपके साथ खड़ा रहूं आपकी मुसीबत में आपका साथ दे पाऊं तो हिम्मत ना हारना आप मेहनत करना लगातार कोशिश करूंगा किसी न किसी एंगल से आपको सपोर्ट करने की आपको पढ़ाने की अपना नॉलेज आप तक शेयर करने की बस चलते रहना है चलते रहना है सफलता जरूर मिलेगी इसी भरोसे के साथ थैंक यू इंडिया टू ट्रस्ट ऑन जे आई एन सी जोधपुर टाइप ऑफ ट्रैक्शन बच्चों मेनली मैं आपको दो टाइप्स यहां पर बताऊंगा बच्चों दैट इज स्किन ट्रैक्शन भी हम पढ़ेंगे हम स्केलेटल ट्रैक्शन भी पढ़ेंगे दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्किन का आगे मैंने एक तो लिखा है शॉर्ट टर्म होता है शॉर्ट टर्म क्यों होता है सपोज ये पेशेंट का बॉडी है ये पेशेंट का लेग यू कैन सी बॉडी ये पेशेंट का लेग है और पर पेशेंट का स्किन दैट वी कैन स्किन, स्किन ट्रैक्शन में हम टेप को स्किन के ऊपर पुट किया जाता है स्किन ट्रैक्शन uh, में क्लियरली लिखा एक तो शॉर्ट टर्म के लिए होगा कभी कभी ड्यूरेशन पूछे तो फोर्टी एट टू सेवेंटी टू आवर्स लिखना आपको अच्छे अच्छे बच्चों एक हम पढ़ते ग्लोबुलिन हम बच्चे के बर्थ के 48 टू 72 टू आवर्स में देते हैं एक हम पढ़ते हैं बच्चों ट्यूबर क्लीन

To 72 hours that will use for the short term. That will be used for the short term. Thank you, Arti Pandey. Thank you so much, my dear. Okay, fine. Our skin traction have some specific parameter you will be directly apply on the skin. यहां पर बॉन्ड के अंदर कोई भी इंसर्शन नहीं होगा कोई ओपनिंग नहीं होगा सीधा इस ट्रैक्शन को स्क्रीन के ऊपर अप्लाई करना बच्चों और वहीं से वेट को पुट करना हम क्या यूज कर सकते हैं हम इलास्टिक बैंडेज का यूज कर सकते हैं हम एडेसिव टेप का यूज कर सकते हैं हम फॉर्म बूट का फॉर्म बूट का यूज कर सकते हैं अगेन शाहरुख खान डोनेटिंग ट्वेंटी रुपीज थैंक यू शाहरुख सुपर फैन विथ सुपर चैट क्या बात है बच्चों आप लोग आजकल इस क्लास के माहौल को और खूबसूरत बना देते हो हर जगह अपनी प्रजेंस को साबित करके और मैं हमेशा यही कहता हूं ये परिवार है ये गुरुकुल है ये फैमिली है, जे है तो क्वालिटी है जे आई सी है तो भरोसा है जे आई सी है तो सिलेक्शन है और जे आई एन सी है तो मुमकिन है ये उन सी एच ओ ने साबित कर दिखाया जो राजस्थान में सेलेक्ट हुए हैं जो लॉकडाउन में नहीं हारे और जेएनसी परिवार के साथ खड़े होके जंग को जीते बच्चों अच्छे-अच्छे लोगों ने लॉकडाउन में अपने आप को आइसोलेट कर लिया था बट आपकी जेएनसी आपके साथ खड़ी रही और आपने लगातार मेहनत किया और इस लॉकडाउन में आप अपने आप को एक फर्निश्ड नर्सिंग ऑफिसर फील करें यू हैव वेरी गुड नॉलेज गेट्स लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम जेएनसी नर्सिंग और यही एक बदलाव है यही एक चेंजेस है और हमेशा हाईएस्ट सिलेक्शन आपके अपने J -I -N -C, गुरुकुल से निकलेंगे ये लगातार मेहनत का नतीजा बच्चों कैरी ऑन करते रहेगा बच्चों क्वेश्चन बनेगा एग्जाम देखिए बच्चों एक sling लिखा है ट्वेंटी रुपीज थैंक यू शाहरुख फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग ने कई बार देखा होगा हम लोग जब हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है तो फ्रैक्चर होने के बाद में एक गले में पट्टा डाला होता है पूजा यादव डोनेटिंग ट्वेंटी रुपीज थैंक यू पूजा सुपर सुपर फैन विद चैट इस तरीके से हाथ होता है हाथ के अंदर पट्टा डला होता है गर्दन की तरफ से घुमा के हम लटका के घूमते हैं इंग्लिश में मेडिकल बच्चों उसको स्लिंग कहते हैं क्या कहते हैं स्लिंग कहते हैं कभी मत कहना मेरा गला वाला पट्टा लेना वो स्लिंग स्लिंग है और स्लिंग का भी यूज कर सकते हैं हम लोग स्किन ट्रैक्शन में इस तरीके के इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बच्चों ओके फाइन अब बात आती है कि आप स्किन अजीत कुमार प्रजापति डोनेटिंग फोर्टी रुपीज अजीत थैंक यू अजीत सुपर फैन विथ जे आई एन सी टू पॉइंट थ्री से फोर पॉइंट फाइव के जी दिस इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम कितना वेट को वियर कर सकते हैं कितना वेट पुट कर सकते हैं याद रखना माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर वन के जी बराबर टू पॉइंट टू पाउंड होता है ये क्वेश्चन एग्जाम का है ये क्वेश्चन एग्जाम का है कि एक किलो में पाउंड कितना होता है बच्चों टू पॉइंट टू पाउंड होता है कभी 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 माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आपको पाउंड में वेट दिया होता है कभी, कभी कभी केजी में दिया होता है तो कंफ्यूज मत होना आपको पता होना चाहिए कि वन केजी के अंदर पाउंड कितना होंगे बच्चों टू पॉइंट टू पाउंडे जितने केजी होंगे उतना आप कन्वर्ट कर सकते हो और आप आंसर को टू हंड्रेड परसेंट करेक्ट करके आ सकते हो तो नीड टू बी नो एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर वन के जी डेव टू पॉइंट टू पाउंड वेट गेट इट एवरीबडी ओके फाइन ओके okay, फाइन ये तो मैंने बच्चों पर आपको सब स्किन का आउटलाइन बताया अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको पुट करता हूं मैं आमेज पुट करूंगा आपको नाम बताना होगा सोनिया हुड्डा डोनेटिंग फिफ्टी रुपीज टू द दी स्टूडेंट फंड थैंक यू सोनिया सुपर फैन विद सुपर चैट इसी तरीके का प्यार बनाए रखिएगा बच्चों मैं आपके सामने इमेज पुट करूंगा आपको इमेज को पता लगाना है फिर उस पर बनने वाले डिटेल कंटेंट को हम डिस्कस करेंगे यू कैन सी एवरीबडी व्हाट इज द नेम ऑफ दैक्शन वॉट इज द नेम ऑफ दैक्शन पुट इट एवरीबडी उसके बाद मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करता हूं बच्चों फटाफट फटाफट्रैक्शन का नाम पुट करिए एग्जाम्पल मैंने स्किन ट्रैक्शन का पुट किया कॉमन क्रिएट थैंक यू सो मच डियर फटाफट आंसर पुट करेगा एक्सट्रैक्शन का नाम क्या बच्चों पुट द नेम ऑफ द ट्रैक्शन स्किन ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है आई वॉन्ट टू नो एवरीबडी ओके फाइन दैट इज अ रसल नहीं होगा बच्चों क्योंकि ये बैक्स एक्सटेंशन है इसको बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन बोलते हैं रसल भी आगे बताऊंगा बच्चों सल भी आगे बताऊंगा शर्वन सिंह डोनेटिंग ट्वेंटी रुपीज बक्स एक्सटेंशन मैंने इसका एग्जाम्पल क्या लिखा बच्चों रनिंग स्किन ट्रैक्शन मैंने आपको एक रनिंग बताया था और एक बैलेंस बताया था एक रनिंग बताया था बच्चों और एक बैलेंस बताया था मैं रसल का भी एग्जाम्पल बताऊंगा यहां ध्यान से देखिए बक्स एक्सटेंशन रनिंग स्किन ट्रैक्शन के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है अप्लाई ओवर एनी वन सिंगल एक्सट्रीमिटीज मैंने एक फुट किया बच्चों हम जब भी पेशेंट को बक्स एक्सटेंशन स्किन ट्रैक्शन पुट करेंगे तो एक एक्समिटीज को यूज कर सकते हैं लिखा क्लियरली नॉट इन्वॉल्व जॉइंट यहां पर आप देख सकते हो ये जॉइंट का जो पोर्शन है इसको इनवॉल्व नहीं किया ये जॉइंट का पोर्शन है इसको नहीं किया ये जॉइंट का पोर्शन है उसको इन्वॉल्व नहीं किया, किया। क्योंकि हम सिंगल एक्सिमिटीज को यूज करते हैं शामू चौहान डोनेटिंग ट्वेंटी रुपीज शामू सुपर फैन फेन सुपर चैट थैंक यू सो मच शामू तो यहां पर ध्यान से देखना है एक एक्सिमिटीज में अप्लाई कर सकता है जॉइंट को अवॉइड करना है और सबसे खास बात बच्चों यू कैन सी अलाइवेट मसल स्पाजम यहां पर बोन को री यूनियन नहीं कर रहा है ये मसल स्पाजम को कम करने में हम यूज कर रहे हैं दैट इज अ रनिंग स्किन ट्रैक्शन दैट इज एग्जांपल ऑफ द बक्स बक्स ट्रैक्शन बोल सकते बच्चों और इसका वेट जो है वो एट टू टेन पाउंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए मैंने अभी आपको बताया था बच्चों जब भी हम स्किन ट्रैक्शन की बात करते हैं जब भी हम स्किन ट्रैक्शन की बात करते तो मैंने कहा कि हमें वेट मच नहीं पुट करना शॉर्ट टाइम के लिए यूज करते हैं कम वेट रखना है एग्जाम में पर्टिकुलेशन पाउंड के बारे में डाल दिया एट टू टेन पाउंड मैंने कहा था अभी आपको वन के बराबर होता है टू पॉइंट टू पाउंड तो आप काउंट करके केजी में पूछे तो भी लिख सकते हो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है ये छोटी छोटी जो बातें हैं आपको डाइवर्ट करती है इसलिए मैं हमेशा उन माइनर चीजों पे ज्यादा फोकस करता हूं सिलेक्शन की असली की जो है माइनर पॉइंट्स होते हैं बच्चों और यहां पर मैंने क्लियरली मेंशन किया कि यदि हम बात करें किसी पेशेंट को बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन की तो तीन चीजें याद रखना एक तो ये रनिंग स्किन ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है दूसरा इसमें एट टू टेन पाउंड वेट पुट कर सकते हैं तीसरा सिंगल एक्सिमिटीज में यूज करते हैं और चौथा बच्चों मसल स्पाजम को कम करने में यूज करते हैं वेरी गुड इवनिंग माइडियर सत्य सत्यनारायण दूसरा बच्चों अगेन मैंने एक एग्जाम्पल पुट किया फटाफट आंसर पुट करेगा फटाफट इज द नेम व्हाट इज द लगभग मोर देन ट्रेड फ्यूचर क्लास को वॉच करें लाइक करना ना भूलें इट्स योर प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर लाइक इट एवरीबडी राइट नाउ डो इट मैं हमेशा कहता हूं जे आई एन सी आर्मी उन टेररिस्ट को जवाब देती है जो डिसलाइक वाले चले आते हैं और नहीं चाह करके भी डिसलाइक करना उनकी मजबूरी होती है और ये पूरी क्लास को वॉच करते बच्चों सबसे खास बात मैं आपको बताता हूं इसलिए आप जे आई एन सी आर्मी है आपको रिस्पॉन्ड करना उन टेररिस्ट के लिए बहुत जरूरी होता है रिस्पोंड इट एवरीबडी लाइक इट एवरीबडी

और इस एडेसिव टेप से हमने क्या किया पुली बनाया यहां पर पुली बनाने के बाद इसके साथ वेट पुट किया फिर आपको नीच से थोड़ा इसको अप करना होता है है फिर आपने इसमें वेट वेट पुट किया क्योंकि कैपेसिटी जो है किलो से ज्यादा नहीं कर सकते हैं हम यहां पर स्किन ट्रैक्शन की बात करें माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तो दैट काइंड ऑफ ट्रैक्शन वी कैन कैंसर रसल ट्रैक्शन बोलेंगे फीमर फ्रैक्चर में यूज करेंगे बैलेंस का इसका काम होता है डिफरेंट वे से हम पुलिस को डिलीवर करते हैं टू मेंटेन फ्रैक्चर बोन या फ्रैक्चर बोनी पार्ट ओके फाइन यह तो आपने क्लियर कर दिया बच्चों और आंसर भी मुझे सही दिया रसल आप सभी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह इमेज एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कई बार पूछा हुआ है मैं आपको हिंट देता हूं मैं आपको हिंट देता हूं बच्चा सुपाइन पोजिशन लेटा है दोनों लेग नाइन्टी डिग्री पे आप दोनों जो है वो 90 डिग्री पे के बच्चे को यूज करते हैं क्या नाम सुपाइन पोजिशन स्लाइटली फ्लेक्स एंड सीधा क्या रहेगा बच्चों रहे और बटक्स भी लिटिल बिट उठा हुआ रहेगा बटक्स भी लिटिल बिट उठा हुआ रहेगा वट इज द या ब्रियान कुछ बच्चों ने लिखा है बिल्कुल सही माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर स इज यन ट्रैक्शन गालन के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं और याद रखना अप्लाई बोथ लिम कैन बी यूज द रिड्यूस फ्रैक्चर फ्यूमर चिल्ड्रन अंडर सिक्स इयर क्या होता है माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर बच्चा जिसकी उम्र छह साल से कम है

छोटे बच्चे की फ्यूमर फ्रैक्चर हो जाए तो कितना टिपिकल्स होता है कितना मुश्किल होता है उसको सर्वाइव करना दैट इज अ अन एग्जाम में दूसरा नाम भी पूछते तो आप ट्रैक्शन बता सकते बच्चों इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए आई होप मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए पुट कराऊं कि मैं चाहता हूं मेरे जितने भी प्यारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें उनको हर क्वेश्चन स्ट्राइक करें जैसे एग्जाम में दिखे यू रिमेंबर सर ने ऐसा बताया था ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है इसलिए ब्रियान बहुत इंपॉर्टेंट है रसल उससे पहले मैं बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन भी पढ़ाया बट एग्जाम में पर्टिकुलेशन पर्टिकुल आई नीड टू बी नो कि बडी हाँ एग्जाम में आ सकता है ओके फाइन हरिओम शर्मा बहुत बढ़िया बेटा अगला ट्रैक्शन मैंने पुट किया है और ये ट्रैक्शन आप लोग क्लास में जब टीचर आपको टीच करता है जब क्लास में टीचर टीच करता है और टीचर पूछता है बेटा फलाने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तो हम क्या करते इतना सा हाथ खड़ा करते हैं हम इतना सा हाथ कभी हम पूरा हाथ खड़ा नहीं करते हैं, हम इतना सा हाथ खड़ा करते हैं और ये जो है ये बोन के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं और का नाम क्या बच्चों का नाम क्या पेशेंट लेटा हुआ है और आधा हाथ देखिए आधा हाथ है बच्चों और ये बहुत कॉमन है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर जब भी क्लास में मैं टीच करता हूं कुछ भी पूछो इतना सा हाथ और स्ट्रक्शन का नाम है बच्चों डलअ्रक्शन क्या बोलते हैं डनलब ट्रैक्शन बच्चों और डनलब ट्रैक्शन का पर्पज यूमरस बोन के फ्रैक्चर को अलाई करने में यूज करते हैं और मेनली लिए फोर आर्म को प्रॉपर अलाइनमेंट में रखते हैं यहां पर आप देखेंगे ये जो फो आर्म है इसको प्रॉपर अलाइनमेंट में रखने का काम करता है यहां से हम वेट को पुल करते हैं पुली को यहां से रोटेटेबल पुली होती है और पेशेंट सुन पोजिशन लेटा होता है तभी मैं कहता हूं बच्चों क्लास में क्वेश्चन जब भी टीचर पूछे तो डनलप डनल नहीं लगाना है वहां पर ब्रयान लगाना ब्रयान क्या था पूरा ऊपर ब्रयान क्या था बच्चों पूरा ऊपर डनलप में क्या था यस सर डोंट से यस इतना हाथ खड़ा होना चाहिए बोल से यस सर आई हैव आंसर ऑफलाइन क्लास में मुलाकात होगी चौबीस जनवरी को इसी तरीके कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बच्चों इसलिए डनलप ट्रक्शन यूज नहीं करना है आज के बाद ब्रियान को यूज करना पूरा हाथ खड़ा करना यस आई हैव आंसर दैट इज अ वे हाउ टू रिस्पॉन्ड टू कम्युनिकेट विद द टीचर ओके फाइन विल मूव फर्दर We'll move तो एक तो डन्लाप, डन्लाप में में पूछेंगे, कौन से बॉन के लिए यूज करते तो आपको आंसर क्या पुट करना बच्चों डायरेक्टली यूमरस फ्रैक्चर में यूज करते हैं ब्रियान किस में यूज करते हैं फीमर फ्रैक्टर किसके बच्चों में यूज करते हैं लेस देन सिक्स की एज में यूज करते हैं तो ये कुछ एक्साम्पल्स मैंने यहां पर पुट किया दट विल बी कमिंग इन टू द स्किन ट्रैक्शन और ये सारे एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल दे बच्चोंकि माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर अभी एक और इंपॉर्टेंट यहां पर मैंने क्वेश्चन पुट किया है एक इमेज आपको दिया बच्चों थैंक यू ऑल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आई लव यू टू ऑल माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ये प्यार ये स्नेह मुझे जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करता है और मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में हमेशा कहता तो हूं मेरी ताकत है आपके सपनों को पूरा करने की कोशिश जरूर मैं करता रहूंगा बच्चों हमेशा सा आपके साथ मुझे फटाफट एक इमेज को देख के आंसर बताएं पेशेंट सीधा लेटा हुआ है नेक में चिन्ह में सपोर्ट रखा बैठा ये जो है ये चिन्ह है

हम बात कर रहे हैं स्किन ट्रैक्शन की तो डेफिनेटली स्किन ट्रैक्शन में कहीं पर भी हम लोग पर्टिकुलर रॉड कुछ नहीं पुट करें ट्रैक्शन पुट करने के लिए तो दैट वी कैन से आ, सर्वाइकल स्किन ट्रैक्शन बोलते हैं हेड हल्टर इसमें हम यूज करते हैं दूसरा चिन पैड यहां पर आप देखेंगे बच्चों यहां पर देखिएगा ये जो है दैट वी कैन से हेड होल्टर और दिस इज चिन पैड दिस इज द चिन पैड चिन पैड चिन चिन को सपोर्ट करता है हेड हल्टर हेड को सपोर्ट करता है और ये ज्यादातर हम कहा यूज करते हैं बच्चों हम स्पाजम को रिलीव करने में यूज करते हैं और पोजीशन जो पेशेंट का उसमें हेड ऑफ द बेड को हम एलिवेट करेंगे कभी कभी पर्टिकुलर पोजीशन भी आपको पूछी जाएगी कि, कि कितनी हेड ऑफ द बेड को एलिवेट करते हैं तो थर्टी टू फोर्टी डिग्री ये जो हेड ऑफ द बेड है बच्चों ये थर्टी टू फोर्टी डिग्री एलिवेट किया जाता है 30 40 से cervical skin traction है क्योंकि मैं आपको स्किन ट्रैक्शन टीच कर रहा हूं स्किन ट्रैक्शन पे बनने वाले हर उस इंपॉर्टेंट इमेज और डिजीज कंडीशन में अप्लाई करने वाली सिचुएशन को शेयर कर रहा हूं तो दैट इज सर्वाइकल जहां पर दो चीज हेड होल्टर यूज करेंगे चिन पैड यूज करेंगे और पेशेंट की नेक को अप करेंगे हेड बेड जो थर्टी टू फोर्टी डिग्री एलिवेट होगा ताकि पेशेंट का जो स्पाजम है स्पाजम जो है वो धीरे धीरे रिलीफ हो धीरे धीरे रिलीफ हो माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिस फाइन विल मूव फर्दर यहां तक तो ठीक था सर्वाइकल स्किन आपने देखा उससे पहले कुछ स्किन पैक्शन के बारे में पढ़ा आपने एक और इंपॉर्टेंट है न सी माई लविंग फाइटर्स यू कैन सी एवरीबडी पेशेंट सीधा लेटावा है और ये पेशेंट का हिप वाला पोर्शन है बच्चों का हिप वाला पोर्शन है वहां से वेट को अप कर वेट को डिलीवर किया बच्चों इस ट्रैक्शन का नाम क्या है अगेन में हिंट दे रहा हूं दट अगेन एग्जाम्पल ऑफ स्किन ट्रैक्शन फोर्टिट एवरीबडी फोर्टिट एवरीबडी यस क्या बात है कम ऑन

और पुलिस के लिए आपको रोप कहां पुट करना वेस्ट में पुट करना है वहां से वेट को अप करना है देन डाउन करना है ताकि ये बॉडी का पोर्शन जो है इस तरीके से होल्ड हो दैट विल बी हेल्पिंग टू रिलीज योर बैक पेन बैक पेन को कम करने में मदद करता है हिप पेन को कम करने में मदद करता है लेग पेन को और स्पाजम को कम करने में मदद करता है मसल स्पाजम को रिड्यूस करने में मदद करता है दैट इज पेल्विक स्किन ट्रैक्शन बच्चों और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ट्रैक्शन बेल्ट स्नगली ओवर पेल्विस मैंने दिखा दिया बच्चों यहां हमने ट्रैक्शन uh, बेल्ट को पुट किया है उसके साथ क्रस्ट को अटैच करते हैं वेट तो बच्चों यहां तक तो मैंने पेल्विक स्किन ट्रैक्शन तक स्किन ट्रैक्शन के बारे में बताया मैं आपको स्कलटल ट्रैक्शन के बारे में भी बताऊंगा बट यहां यह जानना जरूरी था कि कौन कौन से स्किन ट्रैक्शन है मैंने कहा था स्किन ट्रैक्शन शॉर्ट टाइम के लिए यूज करते हैं स्किन ट्रैक्शन का पर्पज है मसल स्पाजम को कम करना फ्रैक्चर को रीअलाइनमेंट करना बट 48 एट टू सेवेंटी आवर्स तक यूज करते हैं वेट 4.5 पॉइंट तक हम पुट कर सकते हैं वही पेशेंट है लॉन्ग टाइम के लिए पुर्ट करना तो हम लोग के अंदर ओपनिंग क्रिएट करते हैं और पेशेंट के नेल के द्वारा वेट को वियर करने के लिए स्टैंड बनाया जाता है उसके ऊपर वेट वियर किया जाता है तो वो किस में आएगा बच्चों स्किलेटल ट्रैक्शन किस में आएगा स्किलेटल ट्रैक्शन कैन सी वेरी वेल उससे पहले मैं आपको ऑनलाइन एग्जाम की इन्फॉर्मेशन दे देता हूं फिर हम क्लास को कैरी ऑन करेंगे जिन बच्चों ने जे आई एन सी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है मैरिड बच्चे हैं जॉब करें किसी कारणवश जे आई एनसी जोधपुर आकर के नहीं पढ़ सकते हैं उन बच्चों के लिए आपके अपने जेएनसी ने ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है बच्चों ESIC और Norset 2021 मैं कहता ना बच्चों एक एग्जाम वन एग्जाम फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो ये ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है जहां पर अब तक 70 परसेंट सिलेबस रिकॉर्ड हो चुका है रिकॉर्डेड क्लास है सारे नर्सिंग के सब्जेक्ट है रिसर्च एडमिन एजुकेशन फार्मा माइक्रो रीजनिंग मैथ्स इमेज बेस्ड वीडियो बेस्ड और सबसे खास बात बच्चों इमरजेंसी नर्सिंग प्रीवियस फाइव ईयर पेपर यूनिट वाइज टेस्ट वो सब कुछ दिया है जो एक को फाइट होने के लिए कंटेंट की जरूरत होती है वो इस ऑनलाइन कोर्स में अवेलेबल है करें अपने सपनों को साकार सी परिवार के साथ जुड़ करके तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चों में और इस कोर्स की प्राइस बच्चों बढ़ गई सिक्स फोर डबल नाइन हो गए इस कोर्स को परचेज करने के लिए जेआईनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है या आप JNC की वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हो बस अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए एक डिसीजन आपको लेना होगा चाहे ऑफलाइन का हो चाहे ऑनलाइन का हो यू विल डिसाइड योर सेल्फ वेयर यूल बी मूव किधर आपको जाना है क्योंकि नौकरी के लिए मेहनत करनी पड़ती है बच्चों और मेहनत से जॉब मिलता है क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं यदि आपको साइकिल से फ्लाइट पे जाने का सपना आप देख ले तो बच्चों अब उठ जाओ जग जाओ प्लानिंग बंद करो डिस्कशन बंद करो सजेशन बंद करो चल दो उस वे पे जो वे आपको सफलता की ओर लेके जाए अब ये वक्त नहीं है डिस्कशन सलाह लेने का कैसे पढ़ने का आपको उस मैदान में उतरना पड़ेगा दुश्मन आएंगे और दुश्मन से लड़ने के लिए बुलेट्स भरनी पड़ेगी और वो बुलेट्स क्या होगा बच्चों आपका नॉलेज होगा तो आप हर उस टेररिस्ट को मार सकते हो हर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और वो बुलेट्स क्या है आपका नॉलेज उसको जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाइएगा बार बार सोचने से कुछ नहीं होगा सोची हुई बातों को इंप्लीमेंट करने से जिंदगी बदलती है तकदीर बदलती है और साइकिल से फ्लाइट पे पहुंचने का सपना पूरा होता है और हर इंसान को हक के अपने सपने को पूरा करने का बट डिसीजन आपका है मैं हमेशा कहता हूं डिसीजन आपका है आप डिसीजन लीजिएगा बच्चों सोती हुई आलसी लाइफ से बाहर निकले एनर्जी बूस्टर के रूप में मोटिवेटेड होकर के आगे बढ़े देखो कितना कारो आपके पीछे चल के आएगा और जब आप कुछ करोगे ही नहीं तो किसको पड़ी है जिंदगी आपकी बनेगी डिसीजन आपके होंगे सपने आपके होंगे हम और आपका परिवार आपके बैकबोन के रूप में आपके साथ खड़े हो सकते हैं सोचना बंद करें वक्त आपके हाथ में है घड़ी की सुई लगातार चल रही है स्टेप फॉरवर्ड लीजिएगा और 2021 तो में अपने सपनों की उड़ान भरे चलिए उस स्काई की तरफ जो आपका इंतजार कर रहा है वक्त आपका है आज कल बदल जाएगा परिवार आज साथ में है कल नहीं होगा जिम्मेदारी आज कम है कल बढ़ जाएगी कल बंधुआ मजदूर बन जाओ यदि हिम्मत नहीं की तो नीड टू बी थिंक पॉजिटिव जे आई एन सी योर फैमिली ऑलवेज टूगेदर विथ यू माई लविंग फ्यूचर कैरी ऑन थैंक यू इंडिया टू स्टार्ट ऑन जे आई एन सी जोधपुर नेक्स्ट बात करता हूं बच्चों में का क्योंकि बहुत प्यार है आप बच्चों से हमेशा आपके बारे में सोचता हूं तो कभी कभी मन करता बस हर एक बच्चे को जॉब तक पहुंचा जो मानेगा वो आगे बढ़ेगा ट्रैक्शन की बात करूं माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर एक क्वेश्चन आया एग्जाम में कि जब भी हम स्किल की बात करें डिवाइस को कैसे हम कंफर्म करेंगे इसमें लिखा फर्स्ट इंसर्शन ऑफ द डिवाइस शुड बी कन्फर्म जब भी आप किसी भी बोन में स्केलेटल ट्रैक्शन पुट करें यू कैन सी एवरीबडी यू कैन सी एवरीबडी ये आपकी बोन है बच्चों इस बोन में आप क्लियरली देखेंगे दिस इज द द बोन 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 दैट इज और जब भी इस में आपको ट्रैक्शन पुट करना है तो ओपनिंग क्रिएट करना होगा और आपको ट्रैक्शन के लिए प्लेस क्रिएट करना होगा और इस तरीके से आप पुली बना करके वेट को पुट कर सकते हो दैट इज द स्किन ट्रैक्शन तो आपने क्या किया बच्चों पिन को इंसर्शन किया आपने क्या किया बच्चों पिन को इंसर्शन किया और जब पिन को इंसर्शन करेंगे तो डियर नर्सिस की प्रायोरिटी रिस्पांसिबिलिटी पिन केयर होगा यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि पेशेंट था उसको स्किलेटल ट्रैक्शन लगा था और उस पेशेंट के केयर करते समय डियर नर्सिस की प्रायोरिटी रिस्पांसिबिलिटी क्या होगी आपको आंसर क्या लिखना बच्चों पिन केयर आपको आंसर क्या लिखना बच्चों केयर और मैं बता देता हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम आ चुके हैं

Thank you. या यू कैन से लेके ट्वेंटी पॉइंट फोर के जी ये स्किलेटल ट्रैक्शन की वेट वियरिंग कैपेसिटी क्वेश्चन कई बार आ चुका है पाउंडे मैं के जी में पूछेंगे और वेट को लटकाते तो बीस किलो तक लटका सकते हैं बच्चों ट्वेंटी के जी तक इसकी कैपेसिटी होती है स्किन ट्रैक्शन में लेस देन फाइव के जी तक इसकी कैपेसिटी होती है शॉर्ट टाइम के लिए स्किन ट्रैक्शन लॉन्ग टाइम के लिए स्किलेटल ट्रैक्शन दोनों का वेट वियरिंग दोनों का ड्यूरेशन एग्जाम परपज ऑफ यू से बहुत ज्यादा

इन सर्किल दिक्स टू मीन द पिन दैट इन सर्टेट इन दब के दोनों तरफ दो पिन को इंसर्ट करते हैं पिन को इंसर्ट करने के बाद में इसमें पुली बनाई जाती है नेक को सपोर्ट किया जाके ताकि नेक को आप मूव नहीं कर सको और चेस्ट के साथ इसको बेल्ट को बांध दिया जाता है और इस तरीके का ट्रैक्शन को हम बच्चों स्केलेटल ट्रैक्शन बोलते हैं क्या बोलते हैं स्केलेटल ट्रैक्शन बोलते हैं सबसे खास बात क्या है सर्वाइकल स्केलेटल ट्रैक्शन डिवाइस

कई बार एग्जाम में पूछे आई होप इट विल बी अगेन आपसे फिर फिर दोबारा पूछ सकते हैं फाइनली द टर्न अबाउट यू लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आपका नंबर है आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तीन से चार एमसीक्यू पूछूंगा मुझे आपको हंड्रेड परसेंट राइट आंसर चाहिए आप लोगों से गलत किया तो पता होगा आपको आई वॉन्ट हंड्रेड परसेंट राइट आंसर ध्यान से पढ़ना दो बार पढ़ना यदि आप सही आंसर देने में कामयाब हो गए तो दिल्ली दूर नहीं बेटा इसलिए मैं आपको क्लियरली पुट कर रहा हूं यू कैन सी द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज इन द सर्वाइकल स्पाइनल कोड इंजरी पेशेंट को सर्वाइकल स्पाइनल कोड इंजरी में कौन सा डिवाइस यूज करते हैं हेलोविस्ट मिलवाकी ब्रश मिलवाकी ब्रश बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन इलीजारो डिवाइस इलीजारो डिवाइस देखिए इली डिवाइस जो है इसका यूज होता है बच्चों एक्सटर्नल फिक्सेशन फिक्सेशन ये क्वेश्चन भी एग्जाम आ सकता है एक्सटर्नल फिक्सेशन कैसे सपोज़ सपोज़ ये पेशेंट पेशेंट का है. ये का है आपको दिखेगी और इसका काम है बाहर से फिक्स करना बॉन को क्या करना बच्चों बाहर से फिक्स करना मिली वाक ब्रश जो है ये भी मैं आपको बता देता हूं मिलीवाकी ब्रश जो है हम लोग सर्वाइकल सॉरी वर्टिब्रल एबनॉर्मिलिटी में यूज करते हैं बच्चों वर्टिब्रल कॉलम एबनॉर्मिलिटी को ट्रीट करने में यूज करते हैं दैट वी कैन से दैट वी कैन से मिलीवाकी ब्रश बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन मैंने कहा था स्पाजम को ट्रीट करने में यूज करते हैं तो विच इज द राइट आंसर विच इज द राइट आंसर क्या बात है बच्चों यस yes, बिल्कुल हेलो वेस्ट आपने लिखा है बिल्कुल सही आंसर आपका इस तरह के क्वेश्चन

या थॉमस स्पिंड की बात करूं इस तरीके का वायर होता है बच्चों दैट क्रीमर वायर यू कैन सी दिस इज क्रीमर वायर बोल सकते हैं दैट इज अ क्रीमर वायर और क्रीमर वायर का यूज हम लोग स्प्रिंट में करते हैं थॉमस स्प्रिंट आपने देखा होगा बच्चों इस तरीके का स्प्रिंट होता है इस तरीके का स्प्रिंट होता है दैट इज अ थॉमस स्प्रिंिट देन व्हिच इज द राइट आंसर राइट आंसर यस बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे तो घबराया और फाइनली वो क्वेश्चन इज अरिंग द क्लाइंट विद द कंपाउंड फ्रैक्चर ऑफ टीबिया एंड फिबुला स्किल क्वेश्चन है बच्चों स्किल्लाइड विच ऑफ दिज प्रायोरिटी शुड द नर्स इंक्लूड इन द केयर प्लांट

नेक्स्ट देखिएगा बच्चों इन ऑर्डर ऑफ द बक्स ट्रैक्शन देखिएगा इन ऑर्डर ऑफ द बक्स ट्रैक्शन टू द राइट लेग अप्लाई किया बच्चों राइट right लेग पहले तो मैं क्लियर कर देता हूं बक्स ट्रैक्शन ट्रैक्शन कौन सा है बच्चों मैंने कहा था आपको स्किन ट्रैक्शन कौन सा है स्किन ट्रैक्शन जब पेशेंट के राइट right लेग में स्पाजन था और पेशेंट को बक्स ट्रैक्शन लगाया तो कौन सी पोजीशन में पेशेंट को लेटना होगा कौन सी पोजीशन में पेशेंट को लेटना होगा सुपाइन आपके सामने ऑप्शन है प्रोन आपके सामने ऑप्शन है सिम्स आपके सामने ऑप्शन है लीथमी आपके सामने ऑप्शन है फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों एक भी क्वेश्चन आज गलत नहीं होना चाहिए आई वॉन्ट टू नो राइट आंसर फ्रॉम एवरी वन सुपाइन प्रोन, सिम्स लीथमी श्वेता कुमारी स्वप्ना रजनी ऑलमोस्ट बच्चे जो है वो क्या पुट करे बच्चों सुपाइन पुट करे सुपाइन पुट योर राइट आंसर ट इज योर राइट आंसर दैट मीनस आज आपने हंड्रेड परसेंट राइट आंसर फुट किए बच्चो हंड्रेड परसेंट राइट आंसर फुट किए माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तो आज की अपनी जर्नी यही तक थी बच्चों और हमने कोशिश की ट्रैक्शन मैथड्स टाइप्स डियर नर्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी और बनने वाले एम सी क्यू कोशिश आगे भी जारी रहेगी लगातार आपका साथ बना रहेगा आप इसी तरीके से अपना प्यार और स्नेह देते रहे हम अपनी ईमानदारी के साथ लगातार आप तक आने की कोशिश करेंगे अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा मां बाप का आशीर्वाद बनाए रखिएगा बड़ों का रेस्पेक्ट करें कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना ना बुरा करना है ना बड़ी बड़ी फेंकनी करो वो कहो वो जो आप कर सकते अपनी हेल्थ का विशेष ख्याल रखिएगा कर फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों के साथ ठीक चार बजे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत